हेलो फ्रेंड, तो जो कोई भी मेरी तरह वेट कर रहा था तेरे बिन किवे रवांगी सॉन्ग का, यानी कि इसमें जो फीचर्ड है मिस्टर फैजू, जो कि टिकटॉक स्टार है, वही जन्नत जुबे है जो कि टिकटॉक स्टार के साथ साथ सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि जो कोई भी इनके बहुत बड़े फैन है और इस जोड़ी को साथ में देखने वाले थे, तो उनके लिए ऑफिशियल न्यूज़ कन्फर्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि जैसे ही सॉन्ग के बारे में कोई ऑफिशियल डेट या ऑफिशियल पोस्टर आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग का ऑफिशियल डेट और ऑफिशियल पोस्टर कंफर्म हो चुका है और वहीं सॉन्ग का नेम जो कि तेरे बिन किवे रवानगी था शॉर्ट हो चुका है और अभी इस सॉन्ग का नेम है तेरे बिन किवे। तो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग में सिंगर है रामजी गुलाटी और वहीं सॉन्ग की रिलीज डेट कन्फर्म हुई है, वो है 10 जून। आपको बता दें कि हमारे फेवरेट मिस्टर फैजू एंड जन्नत जुबे ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इस पोस्टर को शेयर किया है। वहीं आपको बता दें कि यह सॉन्ग आने वाले जी कंपनी के यूट्यूब चैनल पे। जब भी मैं आपको बता दूं कि फैजू और जन्नत दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जहाँ जन्नत ने अपने पोस्टर रिलीज होने से पहले एक स्टोरी शेयर की थी जो अभी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी जन्नत ने अपने पोस्टर शेयर होने से पहले स्टोरी शेयर की। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये पोस्टर, आपको बता दें कि इस पोस्टर को शेयर करते हुए मिस्टर फैजू ने लिखा है, सो एक्साइटेड फॉर दिस वन, तेरे बिन किवे फीट रामजी गुलाटी जन्नत जुबैर एंड मिस्टर फैजू विल बी आउट ऑन 10 जून जी म्यूजिक कंपनी फिल्म बाय यूनाइटेड वाइट ब्लैक। तो आपको बता दें कि ये सॉन्ग जो है आने वाला है मिस्टर फैजू एंड जन्नत का तेरे बिन किवे रवानगी जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दें कि जैसे ही ये 10 जून को ये सॉन्ग आएगा मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इस सॉन्ग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ये सॉन्ग आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फैजल एंड जन्नत से जुड़े हुए और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि अभी आप नहीं जानते उनके बारे में न्यूज जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि फैजल एंड जन्नत से आप हमेशा जुड़े रहे और इनके कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हो तो इसकी न्यूज आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, कुछ फैंस का क्वेश्चन था कि फैजल एंड जन्नत अभी टिकटॉक वीडियोज क्यों नहीं बना रहे और कब ये वापस आने वाले टिकटॉक वीडियोज पे। तो आपको बता दें कि ये आपको वापस दिखने वाले ईद के बाद, यानी कि 6 जून के बाद फैजू एंड जन्नत साथ में टिकटॉक वीडियोज बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 6 जून के बाद फैजू एंड जन्नत वापस टिकटॉक पे बैक करने वाले हैं और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनके सॉन्ग के लिए और वही टिकटॉक वीडियोज के लिए, क्योंकि लगभग 1 मंथ हो गया उनके टिकटॉक वीडियोज उन्होंने नहीं बनाए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सॉन्ग आने वाला था 6 जून को, यानी कि ईद को, लेकिन अभी ये 10 जून को आ रहा है बिकॉज जन्नत का एक और सॉन्ग आने वाला है। जैसा कि आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि उनका एक सॉन्ग आ रहा है जिंदगी दी पौड़ी जो कि मिलन गाबा के साथ है और ये सॉन्ग आने वाला है टी सीरीज पे। तो इसी के चलते हुए जन्नत के 2 सॉन्ग एक साथ रिलीज नहीं होने वाले थे, तो जैसे कि मुझे पहले से पता था, लेकिन इसकी ऑफिशियल न्यूज कंफर्म नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अभी इस पोस्टर के जरिए ऑफिशियल न्यूज कंफर्म हो गई है, जन्नत और फैजू का सॉन्ग आने वाला है 10 जून का और जन्नत और मिलन गाबा का सॉन्ग आने वाला है 6 जून को। तो फ्रेंड्स, आप किस सॉन्ग के लिए ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताना और वहीं मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों के सॉन्ग के लिए, क्योंकि मैं फैजू एंड जन्नत दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ये दोनों सॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद कद साथ नहीं छेगा छाने पाने के तू छान नहीं कटेगा सोमी अत लुट जी गई।